us on a brand new episode of 575 Ounces. ऐसा लग रहा है बड़े दिन बाद ये त्रिदेव की थोड़ा हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते तक हम लोग मिले नहीं क्योंकि जो हमारा आखिरी शो था उसमें सिर्फ निखिल और जेमी थे एंड दे डिड अ वेरी नाइस शो ऑन द होल फिक्सिंग एंगल पाकिस्तान को लेकर एंड दे गॉट अ वेरी रेनाउंड जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान शाहिद हाशमी जिन्होंने काफी साल से इस फील्ड पे काम कर रहे हैं एंड इफ यू हैवंट सीन दैट हमारे उस शो के बाद ना पाकिस्तान में तो बवाल मच गया है हमारे शो को लेकर नहीं बट मैच फिक्सिंग की खबरों को लेकर अब सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. वो कह रहे हैं अभी नया नया आया है कि आमिर सोहेल बोल रहे हैं वसीम अकरम फिक्स करता था इसलिए हम नहीं गए. फिर राना नाविदुल हसन बोल रहा है कि ये मेरे 2009 से लेकर सब फिक्स करते थे. जैसे ही हमने वो क्या कहते हैं पिटारा खोला है जादुई पिटारा उसके बाद खबरें ही खबरें आ रही है मैच फिक्सिंग. सर चिंगारी लगा दी ना आपने. हाँ, चिंगारी लगा दी. वैसे चिंगारी की बात करें तो आज चिंगारी लगाने का काम मेरा है. काम इसलिए मेरा है क्योंकि अभी हाल ही में फ्रेंड ऑफ द शो कह सकते हैं क्योंकि गौतम गंभीर काफी कंटेंट देते रहते हैं 575 Ounces को. एक और उन्होंने यहाँ पे कंटेंट दिया है कि हाल ही में उन्होंने एक कोट दिया है व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट व्हाइट बॉल क्रिकेट. उनसे पूछा गया विराट कोहली रोहित शर्मा ये कंपैरिजंस काफी चल रहे हैं क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं वेले बैठे हैं तो पूछ रहे हैं हु इज बेटर हु इज नॉट बेटर. And उन्होंने कहा for me white ball cricket is all about impact. मैं quote पढ़ देता हूँ verbatim. He's saying for me white ball cricket is all about impact. Kohli will end up getting many more runs than Rohit, and Kohli is amongst the greatest right now. But Rohit has an edge over Kohli because of the impact he has. ये उन्होंने एक न्यूज शो पे हाल ही में बोला था. तो आज हम क्या कर रहे हैं आज जेमी और निखिल के बीच में थोड़ा ये पाव पाव होने वाला है because Nikhil is backing Virat, saying no Virat is the better player. And Jamie is backing Rohit saying no Rohit is the better player. और मैं बीच में नारद मुनि की तरह बीच में कहीं ना चिंगारी लगाऊंगा. तो सर क्योंकि यहाँ पे विराट कोहली के जो फैंस हैं उनको थोड़ा ये पड़ा है थोड़ा दिल पे. आपसे शुरू करते हैं. Is he because he is right in what he's saying. He's 500s in a World Cup, 3 double 100s, and also went on to say Rohit is one of those kind of players जो अगर 100 मार के आउट होता है तो सिर्फ इकलौता प्लेयर है वर्ल्ड क्रिकेट में जो कहते हैं यार डबल सेंचुरी मिस हो गई. दैट इज इम्पैक्ट. तो हमारे पैरामीटर क्या है हम ये बात कर रहे हैं ना कि हु इज द बेटर व्हाइट बॉल क्रिकेटर. ठीक है ना यही हमारा डिबेट है. फेयर इनफ हाउ यू लुक एट इट. वो देख रहा है कि मैं जेमी कह रहा है नहीं. अच्छा जेमी को बताने दो क्या है हु इज बेटर. नहीं इम्पैक्ट की बात हो रही है. इम्पैक्ट तो वो इम्पैक्ट क्या है मतलब इम्पैक्ट तो बेटर ही जो होगा वो भाई जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है. चलो इम्पैक्ट तो हु हैज द बिगर इम्पैक्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट ये हमारी ये डिबेट है. हम ऐसे बात करते हैं. अच्छा ठीक है तो ये अच्छा ये दर्शकों को ये भी बता दो हमने ऐसे नहीं चुन लिया कि क्योंकि जेमी का नाता मुंबई के साथ है तो उन्होंने मुंबई के रोहित शर्मा को ले लिया और मैं दिल्ली में हूँ तो मैंने दिल्ली के विराट कोहली के लिए. ऐसा नहीं है. हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं ना इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि भाई क्योंकि गौतम गंभीर भी दिल्ली के हैं विराट कोहली भी दिल्ली के हैं तो ये लॉजिक तो है ही नहीं कहीं से. ये मेरा सवाल ये है आप जवाब दें क्या गौतम. एक बात तो तय है कि गौतम गंभीर इज एन ओपिनियनेटेड मैन और क्रेडिट उनको इस बात का दूंगा कि ये नहीं कि किसी चीज में वो ओपिनियन देते हैं किसी में नहीं. वो हर चीज में अपनी ठोस ओपिनियन सामने देते हैं किसी से घबराते नहीं है चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो जो वो मानते हैं वो बोलते हैं. तो इसलिए मैं क्रेडिट उनको दूंगा कि वो हर चीज में बोलते हैं तो सिर्फ इस चीज में नहीं बोला. लेकिन मेरा सवाल ये है क्या इसके पीछे इस उनके कमेंट के पीछे और ये अर्जुन या जेमी कोई भी दे सकता है बिफोर वी गेट इनटू कि भाई किसके रिकॉर्ड बेटर है किसका खराब. क्या इस कमेंट के पीछे वो जो तू मैं इन दोनों के बीच लगातार दिखती आई है ग्राउंड पर सबको वो तस्वीरें याद है. ठीक है ना अब ऑलमोस्ट भिड़ भी गए थे आईपीएल में. अक्सर ऐसा हुआ है सुना है दिल्ली क्रिकेट में भी हुआ है उसके अलावा भी हुआ है. तो क्या इस कमेंट के पीछे जेन्युइन क्रिकेट क्या बोलते हैं इमोशन से ज्यादा क्या ये पर्सनल थोड़ा सा चीज आई है टच आई है. आप में से कोई भी दे दे. अर्जुन कुछ कहना है. सर मैं क्या कहूंगा आई वुड से ही इज कंसिस्टेंट इन हिज विराट बैशिंग इफ आई कुड से सो क्योंकि पहले कप्तानी को लेकर उन्होंने बोला क्वेश्चन कि क्या इट इज दैट ही वांटेड टू डू विराट बैशिंग. नो बट टू से कि वो ये उस तरफ से आ रहा है कि मतलब मेरे दिल को गलत तरीके से लगी है तो मैं जो भी विराट कोहली के खिलाफ होगा मैं बोलूंगा. आई डोंट थिंक उस तरीके से बिकॉज गौतम गंभीर वैसा है नहीं और वो लॉजिक दे रहा है सर अपना सीधी सी बात है. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ ना कि अगर आप अभी वर्ल्ड क्रिकेट में किसी भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ जहाँ क्रिकेट फॉलो करा जाता है और आप बोलो रोहित वर्सेज विराट एंड आई एम चूजिंग रोहित ओवर विराट बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट आप मुझे कहोगे there won't be 50% people who'll agree with you. There will be 50% people who'll agree with you for sure. I don't agree with that, but उसपे आएंगे. बताओ जेमी, क्या आपको नहीं लगता पर्सनल कुछ यहाँ पे आ गया थोड़ा टच? क्योंकि देखिए अभी कुछ समय पहले एक एमएस धोनी वाला वो छक्के पे भी थोड़ा विवाद हुआ था, उस पे बोला था लोगों ने, कहा यहाँ पर भी थोड़ा पर्सनल शायद थोड़ी सी चुभन है, क्या लगता है? देखिए निखिल, हम लोग जिस लाइन पे है, खास करके आप और मैं, क्योंकि हम न्यूज लाइन से जुड़े हैं, हम तो मतलब भूखे हैं हेडलाइंस के, तो होता है क्या है, अभी भूखे हैं. अभी 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 थोड़ा फर्क ये है कि हम लोग अभी किसी एक बड़े कंपनी से जुड़े नहीं, हम कहीं अपने स्पोर्ट्स एडिटर वाले रोल में नहीं, हम बस अपने अपने ड्राइंग रूम और हॉल में बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मली. तो वी कैन से कि वी आई कैन गेट वेयर पीपल कैन रियली हैंग ऑन एवरी वर्ड ऑफ अ गंभीर लाइक दिस. बट क्या है कि आपको ये भी देखना है कि किस माहौल में गौतम गंभीर ने जवाब दिया था, किसने सवाल पूछा, किस इंटेंशन से सवाल पूछा. बट बात यह है कि गौतम गंभीर स्पीक्स हिज माइंड, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि कहीं ना कहीं पर्सनल कुछ एज है उनकी बातों में, तो ऐसे नहीं करेंगे बात के. ये है बिल्कुल ये है, क्योंकि लाइक निखिल ऑल्सो एंड अर्जुन, वी ऑल्सो गॉट टाइम टू सी दीज प्लेयर्स बिहाइंड द सीन्स, लेट्स पुट इट, और हमने इन लोग के इंटरव्यू भी ली है, ऑफ कैमरा हमारी बहुत सारी बातें हुई है. तो कहीं ना कहीं हमसे जब ये सवाल पूछा गया तो वी नो वेयर सर्टेन इमोशंस लाई. बट चलिए बात करते हैं इम्पैक्ट की, क्योंकि इन गंभीर ओन वर्ड्स द मैटर वाज इम्पैक्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट. जस्ट टू रिमाइंड एनी ऑफ यू हू हैव एनी डाउट्स, व्हाइट बॉल क्रिकेट इज T20 क्रिकेट एंड वन डे क्रिकेट. ठीक है जेमी, जस्ट बिफोर दैट, क्योंकि हम यहां पे स्कोर्स भी दे रहे हैं सर, और क्योंकि आपने निखिल की बात से आप सहमत ही हो गए, यहाँ पे पहला स्कोर निखिल को चले गया है, पर्सनल एज वर्सेस विराट, फर्स्ट स्कोर गोइंग टू निखिल. हो क्या रहा है यहाँ पे जेमी, दिस इज मोर कॉम्पिटिटिव सर. झूठ तो नहीं बोल सकता ना आदमी पॉइंट्स के लिए सिर्फ. ये टॉस हुआ है, और ये 2011 वर्ल्ड कप फाइनल वाली बात है जहाँ पे 2 टॉस थे, और उस टॉस में जो 1 पॉइंट मिला था एमएस धोनी को, बिकॉज़ ही वांटेड टू चेस, और उनको चेस करना ऑप्शन मिल गया. अब तो सर पावर प्ले आएगा, और क्योंकि पावर प्ले में रोहित शर्मा ज्यादा बैटिंग करते हैं और ज्यादा छक्के मार चुके, तो देखते कहां किसका पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा अभी. अच्छा, तो अब मैं अर्जुन की वो बात से कहूंगा कि 50-50% लोग कहेंगे कि रोहित शर्मा विराट कोहली. मैं इससे सहमत नहीं हूं, मुझे नहीं लगता 50-50% होगा. अगर आप 10 लोगों को पूछेंगे ना, तो मुझे लगता है उसमें से 7 या 8 बोलेंगे विराट, और 2 या 3 बोलेंगे रोहित शर्मा. ठीक है, इम्पैक्ट में ठीक है. ये पहली बात मुझे लगती. दूसरी, अब कौन है, किसका इम्पैक्ट है, अब देखिए अलग अलग तरह के आंकड़े होते हैं. मैं देखिए, मैंने पूरा चिट्ठा भी बनाया है सबके आंकड़े, तो जब आप कुछ बोलेंगे ना, मैं जवाब भी दूंगा. दिस इज माय फर्रा जो एग्जाम में लेकर आते हैं. लेकिन एक पैरामीटर है आईसीसी जो बनाती है, वो आईसीसी रैंकिंग, उसमें उनके कई पैरामीटर है. नहीं, हर चीज देखी जाएगी, भाई. करेक्ट, एग्जैक्टली. लॉट ऑफ भाई, आप हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते जेमी एज मीडिया मैन, जब इंडिया नंबर 1 टेस्ट टीम बन जाती है, टीवी स्टूडियो में ढोल बजते हैं, न्यूज़पेपरों में टॉप हेडलाइन आती है, होता है कि नहीं. न्यूज वेबसाइट, न्यूज, ये बहुत कम समय है जहाँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्पोर्ट्स एडिटर रह चुका हूँ, बहुत कम टाइम है जब न्यूज टीम के हेड आते हैं, अरे यार वो कोहली की टीम नंबर 1 है, जल्दी कॉपी दो, इसको लीड लगाना है. मैं जरा एक टोन सेट हल्के में मत लीजिए अर्जुन उसको. सर एक मिनट सर, ये जो ये हमने डिसाइड किया था, ये शो करेंगे ना, ये था, हमने बिल्डअप किया था एज जेमी ऑल्टर वर्सेस निखिल नाज. प्रभु हो क्या रहा है, वो वर्सेस के अलावा वहां पे हैंडशेक चल रहा है अभी तक. ये कैसा टोन है, ये हमने अभी पिच रोलिंग हो रही है, तो वार्म अप हो रहे हैं. अच्छा, दूसरी बात ये नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आईसीसी की वो रैंकिंग को मान के वो फिर मान लेंगे कि विराट इज बेटर. ही सेइंग यू हैव टू लुक एट दिस आल्सो. भाई मैं ये चीज कह रहा हूँ कि हर पैरामीटर को देख रहे हैं. तो एक चीज ये है, और इसलिए भी मैं आईसीसी रैंकिंग कह रहा हूँ, क्योंकि वो आईसीसी रैंकिंग ना सिर्फ रन नहीं देखता, दे हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, कि किस टाइम पे मारा है, आपने अवे बनाया, यहाँ बनाया, स्कोर क्या रहा, वो कई चीज़ों को देख के करता है. अब उसमें वनडे रैंकिंग में विराट नंबर 1 है और रोहित शर्मा नंबर 2 है, तो इम्पैक्ट तो नंबर 1 का ज़्यादा है ना नंबर 2 से. तो ये मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है. सर, आई यू टेलिंग मी दैट आप इतना क्रेडेंस देते हैं आईसीसी रैंकिंग्स को, दैट इन ऑल द इयर्स दैट आप क्रिकेट कवर कर रहे हो एंड यू विल बी कंटिन्यूइंग टू कवर, कि यू हैवंट हैड कन्वर्सेशंस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, यार ये रैंकिंग क्या है, हम इतना क्यों तवज्जो देते हैं रैंकिंग्स को, देयर इज समथिंग सो वॉट अबाउट दीस रैंकिंग्स. अच्छा, मैं ये चीज कह रहा हूं, देखिए कई बार डिबेट में कन्वीनियंस देखी जाती है. अब ये चीज लेके चलें कि मैं इस वक्त बड़ा खफा हूं गवर्नमेंट से, ले मान के चले, और जिस दिन वो पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, चाहे मैं कार चलाता हूं या नहीं, मैं चिल्लाऊंगा ना गलत किया है पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं। तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। आज अगर बात हो रही है विराट कोहली रोहित शर्मा की, तो मैं हर चीज यूज करूंगा ना अपनी पॉइंट करने के लिए। और उसमें आईसीसी रैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जेमी ने भी माना। और ये सिर्फ मैं अकलौता आदमी नहीं कह रहा, मीडिया इसको बहुत तवज्जो देती है, फैंस इसको बहुत तवज्जो देते हैं। उनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जब वो मेस मिलती है टेस्ट टीम को एंड में, वो सेलिब्रेशन का मौका होता है, हर जगह उसके बारे में चर्चा होती है। तो ये चीज बहुत लोग सीरियसली लेते हैं। आप चार पांच दिन पहले की बात ले ली, जो आईसीसी ने अपनी रैंकिंग्स, टीम रैंकिंग रिशफल की थी, और जो 2016-17 सीजन में जो इंडिया नंबर 1 थी, वो रैंकिंग्स हटा गए थे। आई एम टॉकिंग, आई प्रॉब्ली काउंटेड 300-400 कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, आईसी के हाय हाय, क्योंकि विराट कोहली की टीम नंबर 3 पे आई थी। तो मैंने एक और वेबसाइट में एक कॉलम लिखा था कि भाई आउटरेज आपका हक बनता है, हम तो आउटरेज में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होते अगर मेडल होता, बट पहले आप सिस्टम को समझिए। मैं खुद मानता हूं कि रैंकिंग समटाइम्स सीम बिजार, बट देयर इज अ प्रोसेस टू द रैंकिंग। और हर 3 साल में जब आप एक सीजन को हटाते हो, तो उस सीजन ऑटोमेटिकली इंडिया 1 से 3 तक गिर चुकी है। लोग गिन देख रहे हैं कि उनमें सिर्फ 1-2 पॉइंट का फासला है। तो वी हैव अ राइट टू आउटरेज, बट देयर इज सम लॉजिक इन द होल सिस्टम। चलिए, डोंट अग्री विद लॉजिक, लेकिन लॉजिक है उसमें। चलिए बात पे आई ना, सर काउंटर दीजिए ना, काउंटर दीजिए। वो कह रहे हैं विराट 1 पे है, रोहित नंबर 2 पे है, तो मतलब उनका आर्ग्यूमेंट बनता है फिर वहां पे। अगर यहाँ बात हो रही है लिस्ट की और ऑल, तो हम देखते हैं पिछले 5 साल में मोटा मोटा द टॉप 2 प्लेयर्स हैव बीन दीज 2, राइट? पिछले 5 साल में कुछ 410-420 रन का फासला है इन दोनों में। एवरेज है विराट कोहली का 73, एवरेज है रोहित शर्मा का कुछ 63। एक के 22 सेंचुरीज है, एक के मेरे ख्याल से 21, आई एम श्योर निखिल हैज ऑल रिटन डाउन। तो ये है बात इम्पैक्ट की। 400 रन को आप छोड़िए, इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग। इवन इन T20 फॉर द लास्ट 1 ईयर रोहित कोहली 12 रन 18 रन, ये इनका जो है इनका आंकड़ा चलता रहेगा। बात रही इम्पैक्ट, क्योंकि गंभीर ने बात किया इम्पैक्ट की। आप वर्ल्ड कप ही देख लीजिए, 500, ठीक है, हर बार बिल्कुल सही जैसे अर्जुन ने कहा था, हर बार। क्योंकि मैं वहां पे था वर्ल्ड कप में, इनके 500 में से 3 मैंने देखे लाइव वहां पे। हर बार यार ये तो आउट हो गया 104 पे, 108 पे। तो एक अगर हम डाल सकते हैं क्रिटिसिज्म, ये है कि वो 104 180 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्लेयर्स हैं जो 104 को 180 कर सकते हैं, वो बहुत कम है। क्रिस गेल, डेविड वार्नर, एरन फिंच, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। आई एम पुटिंग विराट कोहली, इफ यू सी हिज स्टैट्स, वो भी आखिरी 7-8 ओवर में 70-80 रन मार सकते। बट रोहित शर्मा वो बंदा है जिसने 3 डबल सेंचुरी मारी है। तीनों बार मैं कहीं ना कहीं अलग अलग कंपनीज में डेस्क पे बैठा था, और मैं, मेरा ध्यान कहीं और था। लोगों ने कहा सर इसके 100 हो गए, मैंने कहा ओवर कौन सा हुआ, 37, ये 200 मार देगा। We know in 8-9 overs one player. अब आप निखिल शायद बोलेंगे पता नहीं कि हाँ वो flat tracks थे, but the point is an opener goes on to score 3 double hundreds. It's very rare. निखिल जी बोलिए। मेरा ये कहना है, अब आप ये double 100 की बात कर रहे हैं कि ये double 100 मार सकते हैं, वो मार सकते हैं, तो बड़े स्कोर मार सकते हैं, वो double 100 मार सकते हैं, ठीक है, विराट कोहली ने नहीं मारा। लेकिन क्या is that more impact? Let me give you an example कि भाई टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन वीरेंद्र सहवाग ही बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आज के दिन में अगर आप बेस्ट टेस्ट बैट्समैन की बात करोगे, तो आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ को उनसे आगे रखोगे। यस, वीरेंद्र सहवाग विल बी इन द 11 ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट टीम बना लोगे एज एन ओपनर, बट ही कैनॉट बी द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन। गावस्कर, तेंदुलकर, द्रविड़ एंड दीज गाइज विल बी अहेड ऑफ हिम। तो मेरा मानना यह है कि बिकॉज इन 1 इनिंग यू कैन गेट सो मेनी रन डज नॉट मेक यू मोर इम्पैक्टफुल। आई रादर हैव अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर लाइक विराट जो लगातार रन बना रहा है, तो मुझे लगता है वो इम्पैक्ट ज्यादा है rather than एक उसमें। बट निखिल अगर वो कंसिस्टेंट नहीं हो, सॉरी, हाँ या जिमी यू प्रेजेंट किया। गौतम गंभीर, यस ही इज अल्यूडेड टू द वर्ड कंसिस्टेंसी, ही इज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इस फॉर्मेट में इससे बढ़िया प्लेयर है नहीं कोई, क्योंकि आप इन T20 में तो ही इज फैंटास्टिक, राइट? बट T20, अच्छा मैं दोनों तरफ, आप कह रहे हो इसमें बेटर नहीं है, कैसे, मतलब ऑन व्हाट बेसिस कैन ही से कि उनसे बेटर नहीं है? मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं। आप बोल रहे हो 500 इन ये वर्ल्ड कप, ठीक है, अब टोटल आप ओवरऑल रिकॉर्ड देख ले भाई, कितने 100 है विराट कोहली के और कितने हैं रोहित शर्मा के, बहुत फर्क है, ठीक है, बहुत फर्क है, तो आपके लिए एक बहुत फर्क है इन। सो व्हाट डज दैट टेल यू कि विराट, व्हाट वुड यू रादर हैव, अ गाय हु कंसिस्टेंटली कीप्स गिविंग यू 100s, या वन गाय हु पीक्स इन वन टूर्नामेंट 5 आपको 100 देता है? अच्छा, एंड ऑफ द डे इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती, You know, so that will also count a lot. Ki bhai, aapka performance, did it take you to a World Cup win or not? So I rather have a person who keeps getting you runs. दूसरी बात ये impact की बात है. तो जैसे अभी जेमी ने खुद कहा कि भाई वो 103, 104 पे आउट हो रहे, 5 पे आउट हो रहे, वो जिता सकते हैं, मैच जिता सकते हैं. ये चीज विराट करते हैं. My most important point for impact is, and this is a data that I look at it, कि भाई आपने winning matches में क्या perform किया है, वो बताता है कि एक बंदे का impact क्या है. अब मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली को कंपेयर करता हूँ. ओडीआईज देख लो आप, विनिंग ओडीआईज में, ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा एवरेजेस 61, विच इज वेरी वेरी गुड इन विनिंग ओडीआईज फॉर इंडिया, ठीक है. बट लुक एट द एवरेज ऑफ विराट कोहली, ये एवरेजेस 77 in winning ODIs. Okay, that is like 16 more runs than him, which is a massive difference in average. तो आपको ये बताता है जब इंडिया को जीतना है ना, तो आपको विराट कोहली का बल्ला चलना जरूरी है. Yes, रोहित शर्मा भी जिताते हैं, बट उतना नहीं जितना विराट जिताते हैं. 2200s है विनिंग ओडीआई में रोहित शर्मा के, आप 100s की बात कर रहे हो. 3500s in winning causes is for Virat Kohli, and that's a massive difference between the two of them. और इसी से ना अब impact how do you see? वहाँ judges होते हैं, man of the match select करते हैं कि नहीं? Do you want to know the difference in man of the matches in ODI cricket? Rohit Sharma has 21, Virat Kohli has 36. That's not even, you know, close. Like, that's the difference. Just tells you the impact that Virat has in the white ball format. और हम अभी तो सिर्फ, मैं तो T20 में गया नहीं, अभी तो मैं सिर्फ वनडे की बात कर रहा हूँ. अगर मैं आपको विनिंग मैचेस में परफॉर्मेंस के बारे में T20 का अगर आपको बता दूँ ना, T20 में इन विनिंग T20s रोहित एवरेज इज 41 एंड विराट्स एवरेज इज 61. अगेन अ ह्यूज डिफरेंस. सो इम्पैक्ट के लिहाज से भी आप बात करो, एंड आप जस्ट कंबाइनिंग ओडीआई एंड T20, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एज मच ऑफ अ डिफरेंस that was there between Virendra Sehwag and Sachin Tendulkar. Right. नहीं, देखो ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि we're looking at the bigger picture. मैं तो ये कहूँगा कि whenever his career ends, Virat Kohli's, we will call him India's greatest batsman. I'm saying I'm putting him ahead of Sachin Tendulkar. Greatest batsman. ये है, because the man is playing in a different era where the pressure is far more of sponsors, of ICC events, of broadcasts, a lot of pressure which Sachin Tendulkar had, but not, it's not magnified. Percent he's playing across three formats. So मैं आपकी बात से सहमत हूँ. Overall, I'm saying that, but right now ऐसा है, अगर हम nitpicking करें तो आप ICC events मान लो. हमने इस शो में bilateral ODIs की हमने धजिया उड़ा दी कि they are irrelevant. आप ICC events देख लो, कहाँ पे रोहित शर्मा और कहाँ विराट कोहली. रोहित शर्मा has the edge there. You narrow it down to knockout matches. He has a better record there. तो जब हम ये meaningless matches खेलते, also check out Rohit Sharma's average overseas in places like Australia. He has World Cup 100s there. In a quarter final, लोग बोलेंगे against Bangladesh, पर ये वो बांग्लादेश है जिन्होंने इंग्लैंड को हराया था. So my point is, कहीं ना कहीं when it comes down to, and you can call it nitpicking, when it comes down to in the knockout matches of ICC events, वहाँ पे जो है रोहित शर्मा has the edge. Yes, he also has one बहुत बड़ा advantage, वो opening करते हैं. Advantage ये है आपको power play मिलता है. But remember, he is not वो पेशे से opener नहीं थे. उनको वो role दिया गया था because they knew कि यार इस बंदे में इतना latent talent है. हाँ, विराट कोहली की एक और खास बात है कि he knows how to maximize every chance he gets. ये रोहित शर्मा को ये बात थोड़ी देर में समझ आई. विराट कोहली ने खुद कहा था, युवराज सिंह ने खुद कहा था कि यार हमने सुना था ये रोहित शर्मा लड़का है, पर जब हमने इनको देखा नेट में हमने कहा भाई साहब इसमें क्या टैलेंट है. ये एक बात है. How Rohit Sharma has equally turned himself around from all those scores of 1, 2, 3, 4 Sri Lanka में 2009, 10, 11 में. तो I think कहीं ना कहीं गंभीर का ये मामला है कि इनका इम्पैक्ट देखो कि उन्होंने अपने आप को कहाँ ट्रांसफॉर्म किया था in a role where he was naturally not fit. अगर आप ओपनर्स देखें, he opener going around. ये भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. So this is not a fight over opener हो, वो दोनों की बैटिंग पोजीशन अलग है, ठीक है. पहली बात वो आईसीसी टूर्नामेंट की जहां तक बात है तो वी आर लुकिंग एट इम्पैक्ट इन व्हाइट बॉल ना, तो ओवरऑल हम देखेंगे कि भाई बात तो सही कह रहे हैं ना. अगर आप इम्पैक्ट जज करोगे, हमने यहाँ पे ओडीआई बायलैटरल सीरीज की मतलब धज्जियां तो उन्होंने, ही इज बीइंग वेरी पोलाइट राइट नाउ, मैं मतलब वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता. इफ यू लुक एट मैक्सिमम इम्पैक्ट, आप आईसीसी इवेंट्स को देखोगे, सबसे ज्यादा तवज्जो आईसीसी इवेंट्स को दोगे आप. नहीं वो ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ ना, जब आप इनको इन चीजों में बात करोगे, हमने बायलैटरल की धज्जियां क्यों उड़ाई है, हम ये बात करते हैं कि भाई व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग श्रीलंका, साल में आप इतनी बार करते हो, ये क्रिटिसिज्म है. भाई अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज या किसी तरह का बायलैटरल सीरीज, तो हमें मजा आता है। भाई ट्राई सीरीज ही थी ना वो ऑस्ट्रेलिया की जिसमें उसने ट्राई सीरीज हुए अर्जा हो गया निकल। पर तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर सीरीज है, इंडिया साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप वहां पे साउथ अफ्रीका में 100 मारोगे वनडे सीरीज। आई एम जस्ट टेलिंग यू इंपॉर्टेंस उसकी इसलिए गिर रही है बायलैटरल की, जो हम आर्ग्यू भी कर रहे थे कि आप एमलेस चल रही है, यू नो वो प्रॉब्लम है। बट अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलती है, इंडिया पाकिस्तान खेलती है, इंडिया साउथ अफ्रीका खेलती है, तो बायलैटरल सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। वहां तो आप नहीं सोगे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया जब आई थी यहाँ पर तो नींद नहीं आ रही थी जब 2-0 डाउन हो गई थी इंडियन टीम फैंस को, तो बात वहां पे आ जाती है। तो फिर आपको कौन चाहिए, विराट कोहली चाहिए ना जो आपको जिताएगा वहां से मैच। सो इस लिहाज से मैं बात आई थिंक कहीं ना कहीं रोहित शर्मा डिस्पाइट ऑल दिस रन उनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता जिनको इनको मिलना चाहिए। अगर हम क्या अभी गौतम गंभीर कह रहे मोस्ट इंपैक्ट है, उससे ज्यादा क्या क्रेडिट मिलेगा यार। वो तो कह रहे ही इज कंपेयरिंग टू, मैं कह रहा हूँ वो तो गौतम गंभीर की राय है। हमने गौतम गंभीर की बात से हमने शुरू किया, यहाँ बात हमें थोड़ी ब्रॉडर नजरिया से देखना है। अर्जुन पंडित का भी मानना है ना, अर्जुन पंडित का मानना 50-50 है भाई, 50% लोग कहते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ, मैं फ्लिप कर देता हूँ थोड़ा। ओके, आई विल फ्लिप इट फॉर यू गाइस एंड से हम लोग एक डिस्टोपियन फ्यूचर में चले गए हैं हम लोग। एंड डिस्टोपियन फ्यूचर में ये है कि या विराट कोहली आ सकते हैं प्लेइंग 11 में या रोहित शर्मा, कीपिंग इन माइंड जो आपकी इंडियन टीम है। वेयर विल द लार्जर इंपैक्ट बी? नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ, अगर एक में नहीं रहा दूसरा बंदा सो वेयर विल द लार्जर इंपैक्ट बी? मेरी आर्गुमेंट बहुत इजी कर दी है, अभी इजी कर दिया। आप रोहित शर्मा की जगह एक और ओपनर खिला सकते हो इस वक्त ना, उसमें आर्ग्यूमेंट चल रही है, आपके पास ऑप्शन है, आप ट्राई भी कर रहे हो। आप पृथ्वी शॉ को सोचते हो वनडे खिलाओ, या फिर आपका वो शुभमन गिल वहां पे तैयार है। नहीं, अरे पर आपको तो विराट कोहली के अलावा तो कोई है ही नहीं इर्द गिर्द। मतलब मैं कह रहा हूँ ऑप्शन तो है वनडे में, शिखर धवन इज योर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ओपनर, एक तो है ही यार। अभी आप क्या वे डाउन की बात कर रहे हो? मतलब अभी वर्ल्ड कप में ऐसा है, अभी वर्ल्ड कप में एक साल हुआ नहीं है जब आप बोल रहे थे इंडिया की टॉप 3 इज द ग्रेटेस्ट दैट इंक्लूडेड शिखर धवन। इन 1 ईयर इन दैट मच टाइम दैट गाय स्कोर्स 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अनदर सेमीफाइनलिस्ट, वो हार्ट टूट जाता है। Within a few months, you're saying ki he's on his way down. That's unfair. But will you compare him to Rohit Sharma? मैं ये कह रहा हूँ. You cannot compare him to Rohit Sharma. But he's, that's what I'm trying to say. Just as you cannot compare Rohit to Virat because there is a gap. Similarly, I agree with you. You cannot compare Shikhar to Rohit. There is a slight gap. But to say that Shikhar is on his way down is also unfair, na? He's one. Any team today other than India will give their arm and a leg to have Shikhar Dhawan. अर्जुन का लुक थोड़ा मैच हो रहा है आज गब्बर सिंह से, बट वो छोड़िए अभी। नहीं, बट आई अगेन स्टिक टू द क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं, जेमी आला क्यों? सो इससे हमने विराट कोहली को निकाल दिया टीम से। आई एम जस्ट सेइंग इन अ डिस्टोपियन फ्यूचर एंड एक जगह आप रोहित शर्मा को निकाल दिया एंड विराट इज देयर इन द टीम, व्हिच व्हाट विल द लार्जर इंपैक्ट विल बी ऑन व्हिच टीम, माइनस रोहित और माइनस विराट? नहीं, बात ये कि अगर रोहित शर्मा ओपनिंग नहीं कर रहा है तो चांसेस आर दैट विराट कोहली विल एनीवेज हैव टू बी बैटिंग लिटिल अर्लियर एंड ही विल बी हैड टू डू मोर। तो वैसे ही पीपल विल ऑब्वियसली साइड द विराट कोहली, क्योंकि आप विराट कोहली का रिकॉर्ड देखिए इन चेसिंग, मतलब नोट करिए अर्जुन बोला देव। इस आज का डिस्कशन ये नहीं है कि मैं विराट कोहली को टोटली डिसरिगार्ड कर रहा हूं, मैं उनको बहुत, मैं कह रहा हूं सेम, मैं भी रोहित को नहीं डिसरिगार्ड कर रहा। करेक्ट, इतना क्योंकि हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पहली बार जब किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया कि गौतम गंभीर ने ये कहा था तो मैंने कहा देखो इसमें कहीं ना कहीं इसकी लॉजिक है। एंड मैं मानता हूँ कि ही मस्ट हैव सम पर्सनल एजेंडा एज वेल, बट येस आई बिलीव दैट राइट नाउ अगर आप रोहित शर्मा को देखें तो हिज इम्पैक्ट इज मोर बिकॉज ही हैज टू ओपन, और कहीं पे कहीं ना कहीं विराट कोहली अगेंस्ट समवॉट ओके 2 balls in 1 innings, the ball doesn't do much, but there is more riding on you when you have to open. But I disagree. I disagree on that, Jamie. I think it's more riding on you when you are batting नीचे. Especially, I feel मेरा इसमें ये मानना है कि Rohit has the advantage of batting either with Shikhar or Virat himself ऊपर, जब इतना टेंशन नहीं है। अगर आप प्रेशर में भी हो, कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, if you're not scoring, you know there is a Shikhar who will score और अब विराट will score. But विराट जब बैटिंग कर रहा है, बहुत टाइम वो ऐसे बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहा होता है 4 या 5 जो 10 मैच ही खेलता है, क्योंकि अगर आप इंडिया के 4 और 5 देखो ना, हर 10 मैच में बदलते हैं। नो वन नोज हुज नंबर 4, हुज नंबर 5, अदर देन धोनी हुज बीन कंसिस्टेंट इन दैट व्हाटएवर 5-6, नोबडी एल्स इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर देयर। तो विराट हैज टू बैट विद समवन कि उसको पता है मैं ही हूं और मेरे साथ कोई साथ नहीं दे सकता। भाई रोहित इज बैटिंग ऑन टॉप, ठीक है ठीक है, नहीं आपकी बात सहमत हूं। अब मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूं। इंडिया का टारगेट है 360, ठीक है, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं 120 के आसपास. यू नीड 9, 10, 11, 12 per over. Is there any batsman in the world more than Rohit Sharma you would want batting all the way? No, but I'll answer that question saying if in that chase Rohit is out, you still have a game. I think Virat can chase it. Maybe 10% chance, but he can chase it. But if Virat Kohli is out in that chase for 360, then you know no one niche is going to chase it. That means you have a 0% chance of winning that. But आप ये भी देखिए, अगर रोहित शर्मा 130 तक खेल चुके हैं, stats show that when he gets into that 130, he has huge hundreds. Agreed. उनका range जो है. Agreed. But he helps you getting that target. 100% agree. But my point is, even if he gets out on that big chase, I know that there could still be a chance if Virat has one of his days, you know, outstanding days, you could still win. However, if Virat gets out on that chase, then I know there is no chance of you chasing 360. No, but Nikhil also say if you take a sample size of 10 of these encounters where you have such a situation, say 10 of these encounters, correct, then out of 10 of these encounters you will back someone like Rohit Sharma in 7 or 8 of these encounters to get the job done for you more often than not, because जैसे वो जेमी कह रहे हैं कि say 130 के strike rate से he has that thing to suddenly shift it up to 180, 190 to even 200 and start hitting it that way. So this is again a misconception, and I must clear this about the strike rate between the two. There isn't that much of a difference. Just because Rohit Sharma ज़्यादा sixes मारते हैं, तो आपको ये लगता है कि he scores at a much higher quick. That is incorrect. इसलिए मैंने ना strike rate निकाल के भी चला था इन दोनों का. अगर आप इनका strike rate देख लें इन T20 जिसमें आप सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट देखते हैं कि कौन कितनी तेजी से चल रहा है, both of them have an identical strike rate of 138, Virat and Rohit Sharma. This despite the fact कि रोहित के sixes will be far greater than Virat, but as we know विराट क्या करते हैं, चौके मार के और सिंगल्स को डबल करके वो अपना स्ट्राइक रेट बराबर कर जाते हैं. Exact strike rate of 138. To say that he is a far more aggressive batsman is also incorrect. Again, a misconception that people have. All you need to do is just look at the stat. तो ये एक अलग मतलब argument है. दूसरी एक चीज मैं भूल गया उस पे जाने के लिए, क्योंकि जेमी ने वो mention किया था कि भाई कैसे उनको opening में भेजा गया और उन्होंने उसपे अपने आप को ढाला, which is great, और उसका उनको credit मिलना भी चाहिए. तो वो एक decision था जो मुझे लगता है उनको help करा. But इसी का मैं दूसरा रुख देखूँ ना, तो मुझे लगता है ज्यादा क्रेडिट विराट को जाता है. टेल यू व्हाई, बिकॉज जब रोहित आए थे एवरीवन बॉम्बे सर्कल से लेके कोई भी हो सब बात कर रहे थे रोहित शर्मा नेक्स्ट बिग थिंग. जब से उन्होंने आए ना इंडियन टीम में नेक्स्ट बिग थिंग थे. विराट कोहली वॉज नेवर द नेक्स्ट बिग थिंग. बल्कि कई लोग तो उस टाइम ये भी ब्लेम करते थे कि अरे MS धोनी क्यों उनके साथ लगे हुए हैं नंबर 4 पर. वो बैटिंग को याद है वर्ल्ड कप 2011 में कितनी क्रिटिसिज्म हुई थी कि रैना जो रन बना भी रहे थे वो 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, आप विराट को क्यों कर रहे हो, वाई डू यू हैव टू परसिस्ट विद हिम. यहाँ तक हालात. तो फॉर अ मैन जो ऑलमोस्ट जहाँ पे सवाल खड़े होते थे कि यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट वन डे गेम, फॉर हिम टू बिकम द ग्रेटेस्ट लिमिटेड ओवर बैट्समैन टुनाइट इज इनक्रेडिबल. रोहित तो सब जानते थे कि भाई अमेजिंग बैट्समैन है और ओपन कराया उनको तो वो चेंज हुआ, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन विराट लेके आए, ही डिजर्व्स इवन मोर क्रेडिट टू हैव गॉन फ्रॉम वेयर ही इज टू नाउ. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है. मुझे याद है मैंने इनका इंटरव्यू लिया था कि he hardly played about handful of one day games. और मैंने पूछा उनसे कि you know you have this perception of being this that, and he cut me off and said मेरा काम है misconceptions को smash करना. And he said बिल्कुल very Michael Jordan-esque. बिल्कुल. And he was like Jordan, he was also having a host of products all around him when he said this at that age. But then मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ. अगर कोई player है जिसे मैंने कुछ पल पहले कहा था who has gone around changing misconceptions around him, it is Virat Kohli. Can play the short ball, now he is one of the most beautiful pullers of the ball, and of course he set the benchmark. मैं कह रहा हूँ जहाँ तक रोहित शर्मा का है, इनके बारे में ये 2000 कब की बात, 2012 श्रीलंका दौर में he got out like 3 ducks and some scores of. ऐसी ही बात चली थी कि there is a rift between him and Dhoni. Dhoni, this is Dhoni's message to the selector saying कि अच्छा तुमने ये लड़का मुझ में फोर्स किया, अब मैं उनको हर मैच में खिलाऊंगा ताकि वो फेल हो. तो हमने ये दौर भी देखा है और सुना है. एंड एज यू नो देयर्स रूमर्स, मोस्ट रूमर्स एंड अप बीइंग ट्रू. तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री यहाँ भी है. बट अगर आप देखें कि द टाइम दैट रोहित शर्मा वाज सेंट अबाउट टू डू हिज जॉब, इंडिया वाज बीइंग फेस्ड आउट विद द लाइक्स ऑफ गौतम गंभीर एंड वीरेंद्र सहवाग, जो बहुत साल तक दे हैड बीन द strength of the opening. तो opening का जो भूख थी एक अच्छी opener का, it coincided with India's run to the 2013 ICC Champions Trophy win. और उस वक्त, so I'm saying yes, taking nothing away from Virat Kohli, the impact that this Rohit Sharma had as an opener at a time where Sehwag, Gambhir gaye the. Hahaakar macha ke. How can they drop Sehwag and all? Look at the role. And as an opener, he is far more successful than even Virendra Sehwag. So, look at the in the umbrella of the role he was given. Tell to middle से opening में आ. तो मैं Sehwag भी from the middle. नहीं तो मैं उसमें argue कर ही नहीं रहा. मैं तो कहा आप as सिर्फ अगर उसी क्या बोलते हैं एक limited scope में देखोगे opener yes he has an impact. वो तो है ही वो मैं मानी बिल्कुल. पर उसमें एक advantage ये भी था कि उनको एक बहुत काबिल opener मिला शिखर धवन में 2013 की आप बात कर रहे हो man of the tournament वो शिखर धवन not रोहित शर्मा. तो उनको वो भी जिनका ICC record में इनका record भी बहुत ही कामयाब है बिल्कुल. उनका help कर रहे थे. But मेरा ये मानना है हम तो पूरे batting order देख रहे हैं ना उस लिहाज में yes in the role of opener yes Rohit Sharma but as I rattle down all the records हम पूरे batting order कैसे देखते हैं जब विराट कोहली 3 पे खेलते हैं यार ज़्यादा हम बात कर रहे हैं opening और 3 की right तो ज़्यादा impact कोई भी ज़्यादा impact हो यार नीचे वाले का होता है मैं ज़रा थोड़ा अपना बीच में आ रहा हूँ यहाँ पे because अभी मैं जरा score थोड़ा मैं देख रहा था score so far is 3-1 in favor of विराट कोहली और निखिल नाज what is 1 where did I lose that 1 point please explain 1 ICC impact sir ये impact की आप बात करो और ICC नहीं है वहाँ पे how can you say that that has to be a score in favor of Rohit Sharma यार देखो ऐसा है हम ये teams ODIs खेलती हैं to get to that pinnacle of winning अच्छा चलो ठीक है I agree मैं उस पे ये मानता हूँ आप और आप देखिए मैं जज साहब से सहमत हूँ जज साहब चलिए ठीक है सर जज साहब अब जज साहब ना थोड़ा स्लाइ वाला खेल रहे हैं क्योंकि जज साहब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं और क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात और चीजें बोलने की यार विराट कोहली के बारे में अब ऑफ टॉपिक अच्छा और है नहीं सर एक ऑफ टॉपिक नहीं बोलिए who would be the better captain in white ball cricket चले मैं अच्छा मैं इसको आर्गुमेंट को खत्म कर देता हूँ ठीक है ना मैं जितना हमने देखा है उसमें तो मुझे रोहित शर्मा थोड़े बेटर कप्तान नजर आए हैं मैं आईपीएल का एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ा बहुत इंडिया लेकिन दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ आर्गुमेंट उन गौतम गंभीर ने ये नहीं कहा है कि who is the better captain उनके मुताबिक तो कुंबले is the best captain वो अलग चीज है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है कि भाई who has more impact in white ball cricket as a batsman और उसमें बहुत जैसे मैं थक चुका हूँ बोलने के लिए इसलिए मैं वो आपकी आर्ग्यूमेंट अबाउट कैप्टनसी खत्म कर देता हूँ by conceding that I think रोहित शर्मा may be a better captain but that is not scope of our argument अच्छा हम white ball Nobody said he's being sly here तो ठीक है हाँ I said I'm being sly but it's 3-1 it's still 3-1 I'm not even giving a score ठीक है अच्छा मैं एक चीज ठीक है थैंक यू सो मच जज साहब मिलाट यस सर आपने ऐसा किया थैंक यू एक चीज हम भूल रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने ना मैंने सारे जैसे आपको वनडे स्टैट बताया T20 स्टैट इन ऑल ऑफ देम ही इज अहेड और वनडे के में ओवरऑल नहीं अगर आप वो 2013 ऑनवर्ड्स भी देखो ना जेमी चैंपियंस ट्रॉफी जब रोहित ओपन करते हैं और विराट नीचे बैटिंग करते हैं तब से लेकर दे हैव स्कोर्ड रफली द सेम रन बट आई एम जस्ट लुकिंग एट द एवरेज रोहित एवरेजेस 59 ओपनिंग द इनिंग्स और उस समय में विराट के एवरेज है 66 की तो यहाँ पर भी वो मतलब बहुत आगे मैं तो कह ही रहा हूँ जब फ्रॉम 2013 विराट कोहली हायर ही होंगे इसमें मैं भी अच्छा इसमें आप सरप्राइज इस बात को लेकर होगे मैं वही चीज कह रहा हूँ इस चीज में आप सरप्राइज इस बात को लेकर होगे मैं अब आपको क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना ऊपर बैटिंग छक्के मारते हैं 2013 ऑनवर्ड्स स्ट्राइक रेट ऑल्सो इन वनडे क्रिकेट रोहित शर्मा इज 92 विराट इज एट 97 so in fact he scores quicker than Rohit Sharma again not even you know the same पीछे भी नहीं आगे और अगर आप इस इन पिछले 5-6 साल में देखें तो सबको पता है कि रोहित शर्मा तो गना गाय he always takes his time there have been times हम कह रहे हैं यार 10 ओवर हो गए ये 22 पे खेल रहे हैं आप जाओ चाय पे पानी गरम लगाओ वो 60 तक पहुंच गए so that's his testament दूसरा मैं ये पूछूंगा if you see now I've not come so well prepared as you have, Nikhil. So ये शायद मैंने गलती की यहाँ पे. But हाँ थोड़ा. He is conceded. नहीं बिल्कुल मैं यहाँ पे knockout लिख दूँ क्या यहाँ पे बीच में recently knockout referee stops contest. नहीं मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इन दोनों की partnership देखें who has been more dependent on each other? When has Rohit Sharma needed Virat Kohli more and where has Virat Kohli needed Rohit Sharma? Because batting is all about pairs. अगर सामने कोई नहीं है Rohit Sharma has never really. It doesn't matter who's there. वो बड़े-बड़े hunter मारते हैं. He's always needed that one stable figure, especially in the top 3 with him there. Top 4, let's say. इन्होंने जैसे I think 5 200+ stand है, which is the highest between any pair. तो इन दोनों का भी बहुत अच्छा है. But उसी में मैं वो चीज कह रहा हूँ ना देखें अगर उस टाइम का आप impact देख रहे हो between the partnership एक advantage ये है विराट जब तक आते हैं तब तक शिखर के साथ काफी रन वो बना चुके हैं set batsman रोहित है विराट नए आते हैं ठीक है एक चीज तो ये तो he will never have that kind of impact विराट का impact तब शुरू होगा मे बी रोहित जाते हैं तब तक वो सेट होते हैं तब तक कोई और बैट्समैन शायद उनके साथ बैटिंग कर रहा होता है, तो ये हो सकता है उन दोनों के बीच रोहित में भी स्कोरिंग मोर रन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टैट, हो सकता है, बट उसके पीछे रीजन ये है रोहित बैटिंग फॉर लॉन्गर देन विराट हैज कम. सेकंडली विराट एज यू नो इतने शार्प बैट्समैन है, उनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, उनको पता है कि अब ये रन बना रहा है मैं क्यों चांस लूँ, हमको मैच जीतना है, जब तक ये है रन तेजी से बन रहे, जब ये आउट होगा देन आई टेक द मैंटल ऑफ स्कोरिंग तेज एंड व्हिच इज वेरी स्मार्ट. What I think he is trying to say is, and I'll flip it again, but what I think वो क्या कहना चाह रहे हैं कि on their day, right? On their day, when both Rohit and Virat are in top form, on their day, who will make you win that game much more easier? Will it be a Rohit Sharma or will it be a Virat Kohli? It will be a Rohit Sharma. Arjun, the stat on that day, जिस दिन वो चल गया तो वो खत्म करके आएगा पूरा. मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ ना, stat क्या बताते हैं कि ज़्यादा दिन जो चल गया जिता देता है वो विराट कोहली है. मैंने आपको दो पैरामीटर्स के बेसिस पर वो बताया था, एक विराट कोहली के मैन ऑफ द मैच बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब जिस दिन वो चलते हैं वो ही इज़ द मैन हु विंस यू द मैच, मैन ऑफ द मैच, यू नो सिंपली, तो वो है. दूसरा जैसे मैंने आपको बताया विनिंग कॉजेज में इंडिया जब जब जीता है विराट के रन्स भी बहुत ज़्यादा है, एवरेजेस भी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ऑन मोस्ट डेज ही इज़ द गाय जो आपको मैच जिताता है. आई एम नॉट सेइंग रोहित इज़ नॉट द गाय, जस्ट बिटवीन द टू जब आप कंपैरिजन कर रहे हो विराट दोनों पैरामीटर्स में ज़्यादा आता है. एक चीज़ और जो आप भूल रहे हैं ना, मीन्स पूरी चर्चा में मैंने उसको बारे में भी बात की, क्योंकि हम वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम आईपीएल को भूल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल इज ऑल्सो वाइट बॉल क्रिकेट, इट मे नॉट बी इंटरनेशनल बट इट्स अ वाइट बॉल क्रिकेट एंड द स्टैट इन दैट ऑल्सो ह्यूज डिफरेंस. ही इज द हाइएस्ट रन स्कोरर इन आईपीएल विराट कोहली, ठीक है, नंबर वन पे है, ठीक है, 5,000 से ज्यादा रन है. रोहित हैज नॉट रीच 5,000 टिल नाउ, एवरेज ऑल्सो एट क्लोज टू 40 इज विराट एंड 32 रोहित. सो जस्ट टू पुट यू एंड यू नो ये रन इतने ज्यादा है कोहली के डिस्पाइट द फैक्ट 10 मैचेस कम खेले हो रोहित से आईपीएल में, फिर भी इसका जवाब बहुत ही आसान है. रोहित शर्मा ओपनिंग कम कर चुके हैं, वो 4 पे खेल चुके हैं, वो उन्होंने हमेशा टीम को रखा है जिस सीजन ओपनर नहीं है. विराट कोहली आप देखिए 3 always opener 3. You remove that one blockbuster season he had. किया क्या उसने? 1 outstanding season, 2 good seasons, and about 7 mediocre seasons. But he's still highest run getter, Jamie. Despite that, because he has realized late कि मेरे को यहाँ जब वो कप्तान बने भाई मैं ओपनिंग करूँगा मैं 3. रोहित शर्मा कप्तानी के तौर पर उन्होंने टाइटल्स कितना जिताया है रोहित शर्मा ने? Virat Kohli. मेरा वही क्वेश्चन आपसे. So since you brought in the IPL, the debate in the IPL it's over there. But अपने दम पे बात करें ना, मैं मान रहा हूँ कि रोहित ने ज़्यादा टाइटल जीते, मैं अपने दम पे मुझे भी मतलब उनके इतने बतौर बल्लेबाज I don't think you can say IPL title रोहित ने जीता. That is not the right way to put it. नहीं बिल्कुल, आप देखिए इन्होंने, you're talking about IPL again, we all get into the IPL to see who wins, right? Impact of Rohit Sharma as a thinker, as a player. हाँ इस सीजन मैं 4 पे खेलूंगा. Who he picks, I'm saying it's all about impact. Even the way that Virat Kohli thinks, the teams he picked, there is no comparison. But वो तो captaincy हो गई ना Jamie. वो तो मैं मान गया. आप common man से पूछो road पे IPL who's the biggest player? They will say Suresh Raina and Rohit Sharma are more impactful IPL players. No. ये मेरा मानना है. I don't think so. IPL में between Rohit and Virat कुछ होगा. Yes, Suresh Raina, I agree. Bigger impact बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे भी. But I am just looking at Rohit Sharma the batsman. I agree with you. Rohit Sharma the captain तो मैंने पहले ही concede कर दिया था कि could be better और मैंने IPL का example लिया भी था. वो हो सकता है भी. I'm saying if hypothetical, he's talking about hypothetical situation. अगर रोहित शर्मा ने पूरा बार मैं बस 3 पे खेलूंगा ओपनिंग खेलूंगा, if you were to go this way, then it would have been different, sir. No, but Rohit Sharma has sometimes come 4 5. As Virat Kohli comes 4 5. That's a matter of conjecture, ना Jamie. मैं आपको ये सवाल बोलता हूँ, अगर आप IPL आप कप्तान हो, ठीक है, IPL टीम के कप्तान, आपको फर्स्ट ड्राफ्ट पिक करने का NBA स्टाइल में आप पिक कर सकते हो, ठीक है. अब आप कैप्टन हो, आपको बैट्समैन पिक करना है, आप रोहित शर्मा करोगे या विराट कोहली करोगे? You will pick Virat Kohli. I need his number in T20 cricket, whether it's international, it's IPL. He's way ahead of Rohit Sharma. I'm just you have to pick a batsman. मुझे पता है उस runs का impact बहुत कम है, जब आखिर जो end goal है वहाँ fail होंगे वो. देखें you need the bigger batsman there. You know. मैं आपसे एक सवाल और. Who can bat 5? निखिल अगर मैं team बना रहा हूँ IPL में, अगर मैं टीम बना रहा हूँ और आपने मुझे ड्राफ्ट पिक दिया है, ड्राफ्ट पिक नंबर 1 दिया है, विराट और रोहित हैं, I can only choose one. That's the way the draft works, right? I can only choose one. Now, if I am choosing Rohit Sharma, I will also take into account what he's doing in international cricket, sir, as far as the T20 game is concerned. राइट, और उसमें क्योंकि वो स्टेबल स्लॉट पे खेलते हैं, ओपनिंग स्लॉट पे खेलते हैं, एंड यू नो द इंपैक्ट ही इज हैविंग फॉर द इंडियन टीम इन दैट स्लॉट. तो इफ आई कीप दैट इन माइंड, I would it's not a no brainer for me ki I will choose Virat over Rohit because I want someone who can play that Arjun, role for me. मेरे भाई अर्जुन, आपने इंटरनेशनल दोनों के T20 स्टैट्स देखे हैं क्या? सर आप अभी कह रहे हो कि मैं T20 भी देखूंगा इंडिया के लिए. चॉक एंड चीज, विराट कोहली एवरेजेस 61 in T20 internationals, रोहित शर्मा 41. There could be 10 batsmen between these two of averages, यानी कि अगर मैं एवरेजेस पे लिस्ट बनाऊं ना दोनों की, तो विराट अगर 1 पे है ना 61, 41 जो रोहित की एवरेज है, वहां तक आने आने मेरे को 10 बैट्समैन क्रॉस करने पड़े शायद. सो द गैप विल बी सम 10-12 बैट्समैन बिटवीन दीज टू, दैट्स द डिफरेंस. सो अब आप सिर्फ ओपनर के लिहाज से थोड़ी आप देखोगे. मेरा एक सवाल ये भी है, बिकॉज आप कैप्टनसी पे बात कर रहे हो भाई साहब, जेमी अगर आपको मैं आरसीबी की बॉलिंग दूं ना, तो आप स्टीव वॉक को भी कप्तान बना दोगे ना, वो नहीं जीतेगा आईपीएल. आप किसी को भी कैप्टन बना दो, एमएस धोनी को बना दो. क्यों अब ये एक और शो का टॉपिक है कि आरसीबी इतनी वाहियात साइड क्यों है? तो मैं कह रहा हूं क्योंकि इनको, जिस बंदे ने इनको खड़ा कर दिया उसकी सोच में ही गड़बड़ है. This is why that team will never win titles. No, but I don't think that defines the better white ball player. I think that मान लिया वो, मैंने आपसे जेमी वो आपकी बात मान ली. हम जिस रुख हमें जाना है हम उस रुख से हट चुके हैं, हम कहीं और जा रहे हैं. ठीक है, हाँ, मैं कह रहा हूँ ये विराट कोहली का दौर ही है, तो ये राउंड तो शायद प्री डिसाइडेड है कि विराट कोहली ही जीतेगा. ये विराट कोहली का टाइम है. एक चीज और, हर चीज में अच्छा ठीक है, इससे हटके एक चीज और आर्ग्यूमेंट मैं आपको दूंगा. ये तो अभी हमने कितनी दे दी, मेरे पॉइंट शायद 8-9 हो चुके होंगे अभी तक, अगर मिलॉर्ड देख रहे हैं अच्छे से. एनीवे मैं अभी मिलॉर्ड रेफ नॉकड आउट का भी लिखा हुआ उन्होंने, रेफ नॉकड आउट का एक पॉइंट और दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बैट्समैन को लेकर. ठीक है, और वो चीज़ हमें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए कि किसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, और वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा. दैट इज़ द फैक्टर ऑफ फिटनेस बिटवीन द टू. व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आपको बंदे की अवेलेबिलिटी नहीं है. फिटनेस की इसमें कहीं वो है ही नहीं. बट जेमी आप ये बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ रोहित शर्मा इतना सोच और इतना not fit, he still gets all these runs for you. No, I'm not talking about runs. Jimmy, I'm not giving. He doesn't. I'm not giving an example of runs. आप मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हम impact की बात कर रहे हैं ना, तो हमें हर मतलब 360 डिग्री देखना है. तो मैं fitness यहाँ पर लाता हूँ क्योंकि अगर आप fit नहीं हो, I'm not talking about scoring of runs. He's scoring runs. You won't play. Yes, I'm saying availability of a player. There is a chance that you may miss him in crucial matches because of fitness, which is a less chance of Virat doing it. Virat, जब भी miss करते हैं, usually वो break लेते हैं, but not because of his, you know, fitness injury. But Rohit को miss करना. तो ये भी एक. Nikhil, the right way to look at it is, has Rohit Sharma been injured in any ICC event? ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा इंजर्ड है आईसीसी इवेंट में? एंड इफ ही इज नॉट देन इज फाइन सर, इज नॉट. नहीं, बट ही हैज मिस्ड बायलैटरल सीरीज ना इंजरीज की वजह से. तो मैं ये न्यूजीलैंड वाला भी अभी वो थे अभी इंजर्ड. इससे देयर इज बेस. रोहित का क्या है वो, सॉरी विराट का क्या है वो, इंजर्ड उतने नहीं होते, वो प्लान करते हैं ज्यादा कि जब उनको लगता है थोड़े छोटी सीरीज है, व्हाई पुश माय सेल्फ, तो वो बाहर हो जाते हैं. आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एन आर्ग्यूमेंट ऑफ फिटनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चलकर, यू नो, बिकॉज कई बार अगर आप फिट हैं, और खासतौर पर आप जब दोनों 31-32 हैं, आगे आने वाले साल थोड़े और मुश्किल होंगे जैसे हम देखते हैं, तो हो सकता है जो ज्यादा फिट है वो ज्यादा अवेलेबल हो, और यहाँ पे भी इम्पैक्ट बहुत मैटर करता है. जेमी यू एग्री? क्योंकि जहाँ क्रिकेट इज वन स्पोर्ट अनलाइक अदर स्पोर्ट्स, जहाँ पे अगर आपके पास टैलेंट है, स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी है, थोड़ा बहुत अगर पेट बाहर भी आ रहा है, यू कैन स्टिल पुल थ्रू एंड यू कैन स्टिल बी अमंगस्ट द बेस्ट. आजकल बहुत 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 मुश्किल हो गया. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा का पेट कहीं से बाहर निकला है, बिल्कुल नहीं है. He is very athletic. You see his catches at short cover. Catching is very good. Yeah. He's very underrated catcher. He's taken some brilliant reflex catches. मैं कह रहा हूँ अगर हम बात impact की करें, you see the impact he's had on the team. Like I said, when that opening slot was not there, आप इनके opening stand निकालो तो मेरे ख्याल से probably 1/3 of Virat Kohli's runs will not matter because you need that start. विराट कोहली है एबल, मानता हूँ हर चीज, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर, नॉट एज अ कैप्टन एट ऑल, बट सो मच ऑफ इट इज अबाउट व्हाट द अदर पर्सन हैव सेट यू अप टू डू, राइट? वही आईसीसी ट्रॉफी में आप देखिए, वर्ल्ड कप के फाइनल देखिए लास्ट ईयर, उससे पहले 3 साल पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिस दिन इंडिया का टॉप 3 गया, मैच इज ओवर. ये हम आज भी मानते हैं. द होल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड कप वो नंबर 4 नहीं था, ये रोहित शर्मा की जहन में था कि भाई मेरे पीछे कोई नहीं है, राइट? तो ये सब डाल के भी, उनके पीछे विराट कोहली थे, उनके पीछे एमएस धोनी थे, MS Dhoni in that World Cup was a shadow. He was like the Sunil Gavaskar of 1983 World Cup. थे नहीं भी थे वो तो वो छोड़ो. Virat Kohli, he played well inside himself, which is why he didn't get the 500. I will happily concede that. But Rohit Sharma said, Virat Kohli आए थे World Cup India का opening match Southampton में against South Africa. Rohit Sharma scored those runs. Virat Kohli came and said, "This is the best he's seen Rohit Sharma play." I'm telling you, 99% of the Indian media in that press hall said he scored somewhere a 120 something, not out. Virat Kohli considered without this man, our team success is not going anywhere. आप इनका जाके ये press conference देख लीजिए. जब विराट कोहली ये कह रहे हैं कि without this team, impact is really reduced to less than half. जब आप वहाँ पे हैं. This is I'm saying. ये भी ध्यान रखें कि विराट कोहली का every single stat निकले सर मैं उससे सहमत हूँ. Man to man, yes, Virat Kohli is a far better player. But when it comes to impact, I think Rohit Sharma does not get the credit he deserves. Islamagaro, I'm siding with Gautam Gambhir. You subtract this man's stats and yet Virat Kohli is half the player he is. ये तो आपको मानना ही पड़ेगा. सर ये आप कमबैक कर लो क्योंकि नहीं तो ये स्कोर जाने वाला है वहाँ पे. मैं I rest my case में कह रहा हूँ. मैंने सारे 45 मिनट से 50 मिनट से सारे पॉइंट्स आपके सामने पेश कर दिए. मिलोड आपके ऊपर है ये. ठीक है सर. फॉर कॉमिक रिलीफ पर आपने पहले ही आप फिटनेस ले आए थे. मैं तो कॉमिक रिलीफ के लिए पूछना चाहता था कौन ऐप ज्यादा मारता होगा. बट आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस. मैं क्या बोलूंगा. एब्सोल्युटली विराट कोहली. ठीक है. निखिल नाज, जेमी ऑल्टर, एज ऑलवेज इट वाज अ ग्रेट शो गाइज. आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये शो देखने में पसंद आया हो. और कमेंट्स में आप लोग भी बताइए यार कि आप किसके आर्ग्यूमेंट से ज्यादा सहमत थे. एंड इफ यू हैड टू पिक who had the most white ball impact for India, would be Virat Kohli or Rohit Sharma? So, आप लोग बताइए, लिखिए, and tell us what you enjoyed watching about this show. Yeah, this is one of our kind of shows, and we'll try doing more of these kind of shows. Judgment भी सुनाएंगे क्या, Judge साहब? सर अभी judgment ये है कि आप एक different date मांगोगे, जैसे ज़्यादातर judge कहते हैं. अभी हम इसको क्या इस दिन पे बैठेंगे और आपको judgment सुनाएंगे. नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ. मैं तभी मैं लिखने जा रहा हूँ. This is the one thing I have to fall back on. मेरे ख्याल से बहुत viewers सहमत होंगे. Go back and check out those ICC events, which is where it really matters. Rohit Sharma will. So ICC event has won you a point. अब मैं बता देता हूँ. So the entire battle, the battle has been won by Nikhil. Yeah, yeah. It's been won by a 3-2 margin. Personal edge versus Virat. Nikhil gets the point where he's saying Gambhir has a personal edge. Stats on impact, Nikhil wins that point. ICC impact on Rohit, Jamie wins that point. Who will India cope better without, Nikhil wins that point. Right? And finally, Rohit impact up top for setting up the innings. Jamie wins that top point rather for Rohit Sharma. Who will India miss? The winner is Nikhil Naz or Virat Kohli by a 3-2 margin. It was a close affair, truth be told. Because एक time पे ऐसा लग रहा था within 20-25 minutes of the show मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो भाई धुलाई होने वाली है. 5-1, 6-1 होने वाला है. Let the आम जनता decide. I want to see what the आम जनता comment. बहुत से वैसे आजकल मैं used to हो गया हूँ कुछ गालियाँ सुनने का YouTube पे. तो let's see what happens also. नहीं अब आम जनता क्या है या जेमी पूरे टाइम YouTube में वो YouTube स्टार हैं तो वो उनके सारे फैंस को बोलेंगे जाइए आप कमेंट करें. ठीक है गाइस सिफारिश नहीं देंगे किसी को. हो गया फिर आज के एपिसोड. निखिल नाज, जेमी ऑल्टर, लवली चैट. एंड निखिल यार बड़ी पढ़ाई करके आए हो सर. मजा आ गया. मतलब मैं तो कह रहा हूँ ये पूरी किताब पढ़ ली होगी to present some of your arguments. You were watching 575 Ounces. Thank you so much. We'll of course come next week with hopefully 2 episodes. If not 2, then 1 every Sunday for sure. Thank you for watching. Goodbye.